उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट खटीमा में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी रात में बीजेपी की एक सामान लदी गाड़ी मतदाताओं में बांटने जा रही थी, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस बीच बीजेपी समर्थक ने गोली भी चला दी, जिससे बवाल और भी बढ़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जब बीजेपी समर्थक खुलेआम पुलिस के सामने तमंचा लहराता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। और ये पुलिस है, देखो ये पुलिस, ये देखो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के बजाय आराम से जाने का इशारा करते हुए नजर आ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद तमाम किसान और कांग्रेस के समर्थक धरने पर बैठ गए। अरे क्या नाम, राहुल पटेल, ठीक है, एक ये ठोकरी, इसके गुंडे आए थे वहाँ पर, आए विशाल पटेल, बीजेपी का ठंडा, ये सब बीजेपी के गुंडे भेजे, धामी ने गुंडे भेजे घर पे, शरेआम चढ़वाया, प्रशासन के सामने गोलियां चली है, यहाँ थाने में प्रशासन कुछ नहीं बोला, प्रशासन खड़े होके देख रहा है, प्रशासन सर। वही बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स फरार हो चुका है। सर ये क्या मामला है पूरा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव में चुनावी रात को हुए कुछ बवाल के बाद आज कुछ आरोपी युवकों ने, जिनके ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी के समर्थक थे, गोलियां चलाई कांग्रेस के समर्थकों के बाद, जो ये कांग्रेस के समर्थक यहां इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इस नेशनल हाईवे को खुलवा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर काफी तनाव है। आरोप है कि इसी पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने एक युवक ने तमंचा लहराते हुए एक कांग्रेस के समर्थक के ऊपर खुलेआम गोलियां चलाई और वो फरार हो गया। राजेश छाबड़ा, आज तक, खटीमा। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो उत्तराखंड तक।